Brought to you by ITIL Series. रविचंद्रन अश्विन हाल ही में उन्होंने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए, 100 टेस्ट मैच भी खेल लिए और कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, कमाल का करियर रहा है आर अश्विन का। लेकिन एक इंटरव्यू में आर अश्विन ने खुलासा किया, उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब मैं क्रिकेट छोड़ने वाला था, और ज़्यादा समय पहले की बात है नहीं, तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है ये, 2017 के आसपास आर अश्विन क्रिकेट छोड़ने का प्लान कर चुके थे और आर अश्विन कह रहे थे कि मैं MBA कर लेता हूँ और मार्केटिंग में अपना करियर बनाऊँगा। तो आर अश्विन ने खुलासा किया है एक इंटरव्यू में, कई बातें की उन्होंने, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात की। उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते, एक समय ऐसा आता है और फिर क्या होता है कि आप अपने आप को गिल्टी महसूस करवाने लगते हैं कि मेरी ही गलती है, और वो जो समय होता है, वो जो चीज़ होती है, वो बड़ी ख़राब होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। इसके साथ ही आर अश्विन अपने बारे में बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें बीती। एक वक्त पे कहते हैं कि मैं अपने फादर से बात किया करता था और कहता था कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, तो वो बताते थे कि क्रिकेट भी कुछ कुछ कॉरपोरेट की तरह ही है और यहाँ पर कई दफ़ा क्या होता है कि फैंस भी अलग हो जाते हैं, फैंस भी जिस तरीके का उनकी तरफ से रिएक्शन आता है उसमें पॉलिटिक्स नज़र आती है, यहाँ भी थोड़ी पॉलिटिक्स ही हो जाती है। और इसके साथ ही आर अश्विन कहते हैं कि मेरा परिवार जो है, मैं उसके साथ मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, पर कई चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं कह पाते हैं और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान भी कर जाती है कई दफ़ा। मेंटल हेल्थ से जुड़े कई उन्होंने चीज़ें बताई। इसके साथ ही वो कहते हैं कि एक समय पर क्या था कि वो अपने घर में कुछ बातचीत कर रहे थे अपने फादर के साथ, तो उनके फादर ने कुछ बात कही, फिर अश्विन ने कुछ बात कही और अचानक उनके फादर और अश्विन के बीच में बहस हो जाती है। अश्विन को उनके फादर बोल देते हैं कि जानते हो तुम्हारी गलती क्या है, तुम बहुत ज़्यादा ईमानदार हो और इसलिए ये सब चीज़ें होती है। तो वहाँ से अश्विन बताते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं जाता हूँ कमरे में, अपने आप को बंद कर लेता हूँ, मैं बहुत रोता हूँ उस दिन, और एक वक्त ऐसा आता है जब मैं क्रिकेट देखना बंद कर देता हूँ, मुझे क्रिकेट देखना पसंद नहीं आता है, एक वक्त ऐसा आता है जब मुझे लगता है कि मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और मैं अब MBA कर लेता हूँ, मार्केटिंग में अपना करियर बनाऊंगा, लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से एक बात कही थी कि मैं जो भी चीज़ करूँगा उसमें बेस्ट बनूँगा, जो भी प्रोफेशन अपनाऊँगा वो बेस्ट वहाँ पर बनकर दिखाऊँगा। तो अश्विन तमाम चीज़ों के बारे में बात करें, और आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था अश्विन के करियर में जब इंडियन टीम से बाहर होने के कगार पर आ गए थे, फॉर्मेट से भी वो बाहर हो रहे थे, जैसे कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट में दिखाई दिए थे, वहाँ पर कुछ फॉर्मेट से निकल रहे थे, और ये हर खिलाड़ी के ज़िंदगी में एक टाइम आता है, लेकिन अश्विन ने वहाँ से अपने आप को रिवाइव किया और आज आप देख सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अश्विन ने 500 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं और 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। तो अश्विन ने ये सारी बातें इंटरव्यू में बताई। तो आप इस वीडियो को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द ऐप।